जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ है होंडा की सिटी। अगर प्राइस रेंज की बात करते हैं तो 11,06,000 से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जो कि जाती है 20,05,000 एक शोरूम दिल्ली। और इसके अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन। अगर माइलेज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 18 से 27 KMPL का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। और आप इसका चाहे बेस वेरिएंट लो, चाहे सेकंड बेस लो, चाहे सेकंड टॉप लो, या फिर जो अपना जो टॉप मॉडल आता है वो लो, आपको सभी के अंदर आपको एडास का जो लेवल 2 है वो आपको प्रोवाइड करती है कंपनी भाई, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो इसके कंपटीशन में गाड़ी आ जाती है, एक तो अपनी वरना आ जाती है, एक सलावी आ जाती है, और एक आ जाती है वर्टस, जो इसकी कंपटीटर गाड़ी है। लेकिन भाई जो सिटी की जो रानी है ना, वो सिटी ही है। और भाई वीडियो इतनी लेट लाने के लिए सॉरी भाई, अपने को गाड़ी इसी टाइम मिली, तो आप इस गाड़ी को भी उतना ही प्यार देना इस वीडियो को भी जितना आपने पहले वाली वीडियो को दिया है। देख सकते हैं कुछ ऐसी मिल जाती है आपको, की लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर बूट ओपन हो जाएगा। नॉर्मल सी आपको की मिल जाती है, रिमोट की दोनों होंडा के लोगों के साथ मिलती है। पीछे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है क्रोम के अंदर। एंड सेंटर से अगर हम बात करें तो सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा क्रोम के अंदर, ये देख सकते हैं। और नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाएगी, ये ग्रिल मिल जाएगी डार्क ब्लैक के अंदर। और पार्किंग सेंसर इसके अंदर आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन कर देती तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। ये आपको पूरी लाइनिंग मिल जाती है मोटी सी क्रोम के अंदर। और ये है भाई इसकी LED सेटअप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LED लाइट के सेटअप के साथ आती है। यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाएगा, वो भी आपको LED के अंदर ही मिलता है। और टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ऊपर आपको DRL मिल जाता है, मतलब टोटली आपको LED सेटअप मिलेगा इसके अंदर। सामने की तरफ देख सकते हैं कैसी क्या लुक मिल जाती है सामने से। यहाँ पर ये बोनट्स पर आपको कट्स मिल जाएंगे, 2 आपको वाइपर्स मिल जाते हैं नॉर्मल क्वालिटी के, एंड 2 आपको वॉशर्स मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको कैमरा मिल जाएगा एडास के लिए। और भाई अगर टायर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में तो आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा, डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाएंगे 185/15R16 इंच के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा LED के अंदर ORVM के ऊपर। और यहाँ पर आपको एक सनरूफ मिल जाएगा नॉर्मल साइज़ का, साथ फिन एंटीना मिल जाएगा बॉडी कलर्ड का। और इस साइड आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाएंगे विथ रिक्वेस्ट सेंसर्स। और पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, डिस्क ब्रेक मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर आपको डिफोगर मिल जाएंगे, साफ फिन एंटीना मिल जाएगा। और कुछ ऐसी मिल जाती है आपको रियर लुक भाई इसकी BMW जो 3 सीरीज़ आती है ना, उसकी जैसी मिलती है, मतलब मिलती जुलती है। थोड़ा बहुत अंतर है, लोगों का ही अंतर है ज़्यादातर, तो बाकी टेल लाइट उसकी लगभग सेम ही आती है। इसने उसकी कॉपी की है, उसने इसकी कॉपी नहीं की है। यहाँ पर होंडा का लोगो मिल जाएगा क्रोम के अंदर। ये हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, यहाँ पर सिटी की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम के अंदर ये नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाएगी, कैमरा मिल जाएगा रिवर्स कैमरा। और ये है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 6 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। और ये है इसका स्पेयर टायर, जो कि 1 इंच छोटा आएगा, मतलब ये आएगा 15 इंच का, स्टेनलेस स्टील रिम के साथ। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ आपको रियर बम्पर गार्ड मिल जाएगा, 2 आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, जो अब ये जो फेसलिफ्ट टायर है ना, इसके अंदर एड ऑन हुए हैं। और ये आपको 3 डॉट के अंदर डिजाइनिंग मिल जाती है साइड में टेल लाइट के ऊपर। और भाई यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। अगर टायर टैंक साइज की अगर हम बात करते हैं तो 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ऑफर करती है होंडा अपनी सिटी के अंदर। और यह है इसका 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और ये पूरा साउंड रिड्यूस मटेरियल ये यूज़ किया हुआ है, ताकि वाइब्रेशन कम फील हो, इंजन कम नॉइस आगे बाहर पहुंचाए कैबिन तक। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन, ओनली पेट्रोल के अंदर ये कार आती है।
और ये है इसका रियर डोर लुक। ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा एयरी फील कराता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, स्टिचिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, वन टच अप एंड डाउन के फंक्शन के साथ आती है ये गाड़ी भी। चारों विंडो आपको वन टच मिल गई, क्रोम के अंदर आपको डोर ओपनर मिल जाएगा, ये पूरी आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी, एक आपको ट्विटर मिल जाता है साइड में ही, एक नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा, बोतल होल्डर मिल जाएगी, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। और ये है इसकी रियर सीट लुक। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, एक ग्रैब हैंडल आगे मिल जाता है और एक ग्रैब हैंडल इस साइड भी मिल जाता है, ड्राइवर साइड। ज़्यादातर कंपनियाँ नहीं देती हैं लेकिन होंडा ने दिया है। यहाँ पर आपको कोटुक के साथ मिल जाता है ग्रैब हैंडल, दो आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है एलईडी के अंदर, या आपको पीछे कर्टन मिल जाता है। चालान हो सकता है भाई, लेकिन इसका इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी ने दिया हुआ है फिर भी चालान हो सकता है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के ऊपर दो कप होल्डर मिल जाते हैं। और सीटिंग कंफर्ट की अगर हम बात करते हैं तो तीनों आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन पता नहीं आ रही ऊपर नीचे हो भी नहीं रहे। दो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं नीचे और ऊपर करने के लिए, हवा दाएं बाएं करने के लिए। और ठीक इसी के नीचे आपको दो सॉकेट मिल जाते हैं 12 वोल्ट के साथ, लेकिन डायरेक्ट अगर चार्जिंग पोर्ट दे देते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता भाई, लेकिन ज़्यादा मज़ा देना भी नहीं चाहिए ना, होंडा से सीखो ज़्यादा मज़ा कम मज़ा देना। और ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक। यह है इसका सनरूफ, इस साइड आपको सनशेड मिल जाएंगे वैनिटी मिरर के साथ, लाइटिंग नहीं मिलती है, लेकिन इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, लाइटिंग नहीं मिलेगी। दो आपको रीडिंग लाइट मिलेगी एलईडी के अंदर। और यह है इसका फुल्ली ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, और यहाँ से करेंगे सनरूफ ओपन एंड क्लोज, वन टच के साथ आता है। देख सकते हैं सामने से कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, काफ़ी मिनिमल सा लगता है, नॉर्मल सा। चलिए अब आगे का फ्रंट डोर ओपन करके देखते हैं। और यह है इसका फ्रंट डोर लुक। ब्लैक और बेज कलर के कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होता है। यह आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा लेदर के अंदर, स्टिचिंग के साथ ही आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी ऊपर की तरफ, डोर ओपनर मिल जाएगा क्रोम के अंदर, लॉक अनलॉक का स्विच, यहाँ पर आपको एक ट्विटर मिल जाता है डेडिकेटेड, नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा, बोतल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस नीचे मिल जाएगी, चारों विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल वन टच अप एंड डाउन के साथ देख सकते हैं आप, चारों विंडो के कंट्रोल वन टच अप एंड डाउन के साथ मिलते हैं। यहाँ पर ये ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे, फोल्ड अनफोल्ड का स्विच मिल जाएगा अलग से ही डेडिकेटेड, ये ORVM के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी के लिए लॉक मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है बोतल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पर आपको रियर बूट ओपन करने के लिए अलग से स्विच दे रखा है। और ये आपको मिल जाएगी सीट एडजस्टेबल, लेकिन इलेक्ट्रिक होती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। और ये है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एसी वेंट मिल जाएगा, चारों तरफ आपको सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। और भाई जब आप SUV से इसमें बैठोगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप धरती पे ज़मीन पे चल रहे हो, हवा में उड़ने का मन तो करेगा लेकिन उड़ोगे नहीं। हाँ भागती बहुत तेज है, स्टेबल भी है गाड़ी। और ये है इसका यहाँ पर वुडन फिनिशिंग, यहाँ पर सॉफ्ट टच दे रखा है, ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक है लेकिन फील आपको सॉफ्ट टच वाला देगी। और ये है इसका ग्लव बॉक्स कूलिंग के साथ, हेडर लाइट का स्विच मिल जाएगा, दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं दोनों तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम के दोनों तरफ। और यह है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, FM रेडियो वगैरह सब कुछ, ऑक्स। और यह है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC।
यहाँ पर आपको सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का, दो आपको USB चार्जर मिल जाएंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, एक दो कप होल्डर मिल जाएंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर नीचे की तरफ और मिल जाती है। और ये है इसका 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स। और रियर कैमरा व्यू आप देख सकते हैं, लेकिन डायनेमिक गाइडलाइन के साथ आता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अब कम मज़ा आ रहा है भाई। मज़े की बात है, यहाँ पर वुडन फिनिशिंग, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर, हैंड ब्रेक मिल जाती है मैनुअल, या आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, आर्मरेस्ट के अंदर आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, आर्मरेस्ट आपको फिक्स मिलेगा, स्लाइडिंग का फंक्शन नहीं है, कुशनिंग के साथ मिलता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाएंगे, फ़ोन के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम के अंदर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, गोल डी कट के साथ आता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता भाई। और ये देख सकते हैं फ़ोन के कंट्रोल मिल जाते हैं सारे, वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाएंगे नीचे की तरफ, या आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, लेन असिस्ट मिल जाएगा, एडास का बटन अलग से ही दे रखा है इसके अंदर। यहाँ पर एक क्रोम की फिनिशिंग, नीचे सिल्वर की फिनिशिंग, स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का फंक्शन मिलता है, जो कि भाई अच्छी चीज़ है। और इस साइड आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और राइट साइड आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल। और भाई जैसे आप इंडिकेटर दोगे ना, तो एक साइड वाला वो अपना कैमरा भी काम करने लग जाता है, जो कि ORVM के ऊपर आता है। और ये आपको आधा तो मिलेगा डिजिटली और आधा मिलेगा एनालॉग। स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलेगा, RPM मीटर और MID आपको डिजिटल मिलेगी। और जैसे आप इंडिकेटर वाले बटन के पास एक बटन आता है, वो बटन आप प्रेस करोगे तो आपको एक ड्राइवर साइड वाला आपको कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, और आपको पीछे का व्यू दिखाने लग जाएगा कि पैसे क्या है, अगर मान लो शीशा अगर गंदा भी है तो भी। और यह है इसका फुल्ली ऑटोमेटिक IRVM, ऑटो डिमिंग के साथ फंक्शन के साथ आता है। तो भाई कैसी लगी आपको होंडा की सिटी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई। थैंक यू, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।